अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि जगह खाली क्यों है। तो जी, आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे पहले मैंने अपना रखा हुआ था माइक्रोवेव ओवन, जो कि अभी डिब्बे में ही था। तो अब जो है उसको मैंने, हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर लगवा लिया है। ये आप देखें फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ इस चीज़ को। तो अब इस तरह, यानी कि हमने ये इस तरह स्टैंड बनवा के तो इसको इस तरह इधर फिट कर लिया है, रखवा लिया इसको। पहले वैसे ही उधर डिब्बे में पड़ा हुआ था। तो ये माइक्रोवेव ओवन है फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से है, आप देख रहे होंगे। और इसको मैं आप लोगों को, इसका जो है अभी इसको सेट करना है, यहाँ से ओपन होता है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ये ग्रिल के लिए है बटन, और ये वाला खाना खाने वगैरह या कोई भी चीज़ गर्म करने के लिए, ये ग्रिल के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइएगा, जिनका इनके माइक्रोवेव ओवन है, ग्रिल प्लस ओवन है, तो वो लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि अगर हमने जैसे टिक्का हो गया या ऐसी कोई चीज़ हम लोगों ने ग्रिल करनी हो तो वो हम लोग किस इनके किस पे रखें, मीडियम हाई पे, हाई पे के ग्रिल पर, या ये ग्रिल ये इस तरह ही आप देख सकते होंगे। मुझे बताइएगा आप लोग कि अगर हमने कोई ग्रिल चीज़ करनी है तो उसको हम, जैसे टिक्का वगैरह हो गया, तो उसको हम कितने किस लेवल पर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। तो इस जो है ये इस तरह से खुलता है फ्रेंड्स, को सबको ही पता है जो इस तरह से खुलता है। तो ये अभी जो है ये आप देख सकते हैं, तो मैं इसको जो है सेट करके तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जैसे कि अभी मेरी कोई चीज़ भी नहीं यूज़ हुई थी, वैसे ही पड़ी हुई थी। तो ये अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये भी सेम वैसे ही है, डिब्बे में ही था सारा कुछ। तो अब जो है मैं इसको जो निकाल के इसको सेट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोग साथ बने रहिएगा। तो जी फ्रेंड्स, ये इस तरह से है कुछ। और जिनका ये है माइक्रोवेव ओवन ग्रिल वाला है, मुझे लाजमी बताइएगा कि क्या मैंने इसको ठीक रखा है। तो क्या इनकी ये चीज़ ठीक है, इनके इस प्लेट को मैंने ठीक रखा है डायरेक्शन में, या नीचे वाले जो आप देख रहे होंगे रोल सा जो है बना हुआ, इसके ऊपर रखने के लिए प्लेट के, इसके नीचे आप देख रहे होंगे जिसके नीचे ये वाइट से वो लगे हुए व्हील। तो आप लोग मुझे बताइएगा जिनका है ये ग्रिल वाला ओवन। और फ्रेंड, मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना है, जो लोग ये यूज़ करते हैं, कि अगर कोई चीज़ जैसे ग्रिल करनी है, टिक्के वगैरह या कुछ ऐसी चीज़, तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि उसको हमने जो है किस हाई पे रखना है। यानी कि आप देख रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा जिनका ये होगा, तो आप लोगों ने मुझे लाजमी अपने कमेंट्स में बताना है, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि ये ग्रिल लिखा हुआ आ रहा है, मिड हाई, हाई है और ग्रिल है फिर बाद में, और फिर नीचे 1, 2, 3 और स्टेप्स हैं। तो ये आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या मैंने ये सही रखा है। तो बस फ्रेंड, ये था मेरा आज की छोटी सी वीडियो। मैंने सोचा कि उन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में रखिए, याद रखिएगा। अब मैं मिलूँगी आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में या किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, फिर से जाते जाते, जिनको, जो लोग ये यूज़ करते हैं ग्रिल वाला माइक्रोवेव ओवन, वो मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है फ्रेंड। तो मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।